पंजाबी फैशन डाइन विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे शर्ट का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। अगर आप चाहें तो इस डिज़ाइन को आप जेंट्स हाफ स्वेटर और फुल स्वेटर में भी डाल सकते हैं। तो ये जो श्रग हैं उसके पीछे की साइड में 130 फंदे डाले हुए हैं और आगे की साइड में इसके टोटल 80 फंदे डाले हुए हैं, जिसमें 12 फंदे इसके बटन पट्टी के होंगे और लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो बात करते हैं इसके फंदों के बारे में। इसका जो पैटर्न है वो 11 के मल्टीपल से इसके फंदे होंगे, प्लस 5 फंदे आपने एक्स्ट्रा रखने हैं साइड में इसके डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। और ये जो डिज़ाइन है वो 10 रो का डिज़ाइन है। 10 रो के बाद ये डिज़ाइन ओवर हो जाता है और फिर से ये फर्स्ट रो से डिज़ाइन स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड, आप इसी हिसाब से इसके फंदे डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन दबाना मत भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर 33 फंदे ले लिए हैं और इसकी एक रो मैंने सीधी बुनकर निकाल ली है। यहाँ पर हम इसकी 9 फंदों की बटन पट्टी बनाएंगे और 2 डिज़ाइन यहाँ पर बनाएंगे, जिसको डिवाइड करने के लिए बीच में 5 फंदों की एक केबल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। ये इसकी राइट साइड है, देखिए ये एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे। अब आगे के ये 3 फंदे हैं, ये तीसरा फंदा ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर से गिरा देंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, जो हमने ऊपर से गिराकर एक फंदा घटाया था उसे बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम एक जाली डालेंगे और दूसरा फंदा भी सीधा बुनेंगे। ये फिर से हमारे पास यहाँ पर 3 फंदे हो गए हैं। धागा आगे करेंगे, एक उल्टा फंदा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से 3 फंदे हैं। तीसरा फंदा उठाएंगे और 2 फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, ऐसे धागा ऊपर से सिलाई से घुमाते हुए जाली डालेंगे और फंदा बढ़ाएंगे और दूसरा फंदा भी सीधा बुन लेंगे। देखिए फिर से 3 फंदे हो गए हैं। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हमारी 9 फंदों की हमने बटन पट्टी बना ली है। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए 9 फंदों की बटन पट्टी बनाई है। अगर आप चाहें तो 4 के मल्टीपल से इसके साथ और भी आप रो जोड़ सकते हैं। तो चलिए आगे हम अपना मेन डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं, जो कि 6 फंदों का है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे और यहाँ पर देखिए ये 2 फंदे ऐसे सीधे करेंगे। आगे है, ये 2 फंदे ऐसे हमने सिलाई पर ले लिए हैं और ऐसे इसको सीधा बुनेंगे। 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे सीधा बुनते हुए। यहाँ पर हमने ये जो 2 फंदों का एक फंदा बनाया था और ये धागा आगे रख के हमने जाली डाली है, ये एक फंदा यहाँ पर हमारा बढ़ गया है। ये देखिए 1, 2 और 3 फंदे ये हमने बुन लिए हैं। आगे 4, 5 और 6, यानी कि यहाँ पर हमने 2 फंदों का एक फंदा बनाया, उसके बाद 3 फंदे सीधे बुन लिए। टोटल हमने इसके ये 6 फंदे बुन लिए हैं। हमारा मेन डिज़ाइन ये हो गया है। आगे फिर से धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से ये जो हमने बॉर्डर में डिज़ाइन डाला है वही हम सेंटर में इसे दोनों हमारे मेन डिज़ाइन को अलग करने के लिए हम ये वाला डिज़ाइन यहाँ पर
डालेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई और भी केबल का डिज़ाइन डाल सकती हैं। ये देखिए तीसरा फंदा उठाएंगे, दो फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, धागा पीछे ही रखेंगे, एक सीधा फंदा बुनेंगे, धागा घुमाते हुए जाली डालेंगे और दूसरा फंदा भी सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 5 फंदों की अपनी केबल बना ली है। धागा पीछे करेंगे, फिर से हमारा मेन डिज़ाइन है, एक सीधा फंदा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे और दो फंदे सीधे ऐसे उतार कर इनको टर्न करेंगे, धागा आगे रखते हुए दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, यहाँ पर हम एक जाली बनाएंगे, आगे 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, फिर से धागा आगे करेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, ये तीसरा फंदा उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, दूसरा भी सीधा फंदा बनाएंगे, धागा आगे रखेंगे, एक उल्टा फंदा, लास्ट वाले दो फंदे हमारे पास फालतू हैं, ये इनको सीधा ही बुन लेंगे। ये देखिए ये हमारी फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई है। सेकंड रॉ है रॉन्ग साइड, इसमें आपको जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बुनने हैं। एक बार मैं आपको ये बुनकर दिखा देती हूँ, देखिए ये दो उल्टे फंदे हैं, इनको उल्टा बुनेंगे, फिर आगे धागा करेंगे और ये इस साइड में हमने उल्टा फंदा बनाया था, इस साइड में इसको सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, ये हमारे 3 फंदे जो हमने ऊपर से फंदा गिराकर बनाए थे, हमारी केबल चल रही है 5 फंदों की, ये सेंटर में 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, ये साइड वाले 2 फंदे सीधे, धागा आगे, ये हमारा मेन डिज़ाइन है, इसके 6 फंदे हैं, ये उल्टे ही जाएंगे, 6 3 4 5, ये जाली बनाई थी ये भी उल्टा, और 6, ये देखिए ये 6 फंदे हम इसके उल्टे ही बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से हमारी 5 फंदों की जो केबल है, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, 2 3 उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर से हमारा मेन डिज़ाइन, 6 फंदे उल्टे, 3 4 5 6, धागा पीछे, बटन पट्टी के फंदे हैं, एक सीधा फंदा, 3 उल्टे फंदे, 1 2 3, धागा पीछे, 1 सीधा फंदा, 3 उल्टे फंदे, 2 3, ये लास्ट वाला भी उल्टा ही बुनेंगे। ये देखिए हमारी सेकंड रॉ कंप्लीट हो गई है रॉन्ग साइड। ये हमारी थर्ड रॉ है राइट साइड, एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, ये जाली वाले 3 फंदे हैं, इस रॉ में ये सीधे ही जाएंगे, 2 3, धागा आगे करेंगे, एक उल्टा फंदा, उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, 3 जाली वाले फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे, एक उल्टा फंदा। ये देखिए हमारी बटन पट्टी हो गई है, धागा पीछे, अब हमारा मेन डिज़ाइन डालेंगे, ये एक फंदा सीधा है, इसको सीधा बुनेंगे, ये जाली के साथ बड़ा हुआ जो फंदा है इसको भी सीधा बुनेंगे। पहले हमने यहाँ पर एक फंदा सीधा बनाया था, इस रॉ में यहाँ पर 2 फंदे सीधे हो गए हैं, अब धागा आगे करेंगे और ये 2 फंदे ऐसे इनको टर्न करेंगे, सिलाई पर लेंगे, धागा आगे रखते हुए जाली डालेंगे और 2 फंदों का एक फंदा सीधा बुनते हुए ये देखिए बनाएंगे। पहले यहाँ पर 2 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे थे, अब 2 फंदे सीधे रह गए हैं, धागा आगे, एक उल्टा फंदा, ये हमारी जो केबल है वो स्टार्ट हो गई है 5 फंदों की, 3 फंदे जाली वाले सीधे, धागा आगे, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, मेन डिज़ाइन, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे टर्न करेंगे,
जाली डालते हुए दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर केबल डालेंगे पांच फंदों की, उल्टा फंदा, तीन फंदे सीधे, दो तीन, फिर से एक उल्टा फंदा, लास्ट वाले दोनों सीधे बुनेंगे। ये देखिए थर्ड रॉ कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रॉ है रॉन्ग साइड, इसमें वैसे ही बुनेंगे जैसे हमने इसकी सेकंड रॉ बुनी थी। देखिए हमारी फोर्थ रॉ कंप्लीट हो गई है। फिफ्थ रॉ है राइट साइड, ये हमारी बटन पट्टी, एस स्टिच ऐसे ही उतारेंगे। फिर से ये देखिए तीन फंदे हैं, ये जो डिज़ाइन है वो फोर रॉ के बाद फिर से रिपीट होता है, फिर से इसे फर्स्ट रॉ से रिपीट करेंगे। दो फंदों के ऊपर तीसरा फंदा गिराएंगे, एक फंदा सीधा जाली डालेंगे, दूसरा फंदा भी सीधा, धागा आगे करेंगे, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे। ये देखिए तीसरा फंदा उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, एक सीधा फंदा जाली डालेंगे, दूसरा भी सीधा, धागा आगे करेंगे, एक उल्टा फंदा। ये नाइन फंदों की बटन पट्टी हो गई है मेन डिज़ाइन। अब यहाँ पर हमारे पास तीन फंदे सीधे बुनेंगे, जाली वाला फंदा भी इसमें ही बुनेंगे, तीन फंदे सीधे हो गए, धागा आगे करेंगे, ऐसे इनको सीधा करेंगे दो फंदों को, और यहाँ पर ऐसे सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। यहाँ पर हमने जाली बना दी, अब एक फंदा सीधा, धागा आगे, हमारी केबल का डिज़ाइन, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, फिर से इसे रिपीट करेंगे। ये भी ये वाला ही डिज़ाइन है तो वैसे ही रिपीट होगा फोर रॉ के बाद। ये देखिए ऊपर से गिरा देंगे, एक सीधा फंदा, देखिए धागा आगे करेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, फिर से मेन डिज़ाइन, एक दो तीन फंदे सीधे, धागा आगे, टर्न करेंगे दो फंदों को, दो का एक बनाएंगे, एक सीधा फंदा, धागा आगे, एक उल्टा फंदा, जाली डालेंगे यहाँ पर ऊपर से गिराते हुए। ये देखिए एक सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे और दूसरा भी सीधा, धागा आगे, उल्टा फंदा, लास्ट वाले ये सीधे ही। ये देखिए इसकी फिफ्थ रॉ कंप्लीट हो गई है। सिक्स्थ रॉ रॉन्ग साइड इसकी सेम ही बुनेंगे। ये देखिए इसकी सिक्स्थ रॉ कंप्लीट हो गई है। सेवन्थ रॉ है राइट साइड, फिर से ए स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, फिर से तीन फंदे सीधे, धागा आगे, एक उल्टा फंदा। ये हमारी बटन पट्टी हो गई, धागा पीछे करेंगे, मेन डिज़ाइन डालेंगे, एक दो तीन चार फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, ये लास्ट वाले दो फंदे रह गए हैं, इनको ऐसे सीधा करेंगे, धागा आगे करते हुए जाली डालेंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक उल्टा फंदा, ये केबल का डिज़ाइन, एक दो तीन सीधे फंदे, एक उल्टा फंदा, मेन डिज़ाइन, एक दो तीन चार, धागा आगे सीधे करेंगे दो फंदे, दो फंदों का एक फंदा जाली डालते हुए बनाएंगे, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, तीन सीधे फंदे, दो तीन, धागा आगे, एक उल्टा फंदा, लास्ट वाले दो सीधे। ये देखिए सेवन्थ रॉ कंप्लीट हो गई है। एट्थ रॉ रॉन्ग साइड सेम ही बुनेंगे। देखिए एट्थ रॉ कंप्लीट हो गई है। नाइन्थ रॉ है राइट साइड, फिर से हमारा केबल का डिज़ाइन रिपीट होगा, धागा पीछे रखेंगे, तीसरा फंदा उठाएंगे और इसके ऊपर से गिरा देंगे, सीधा बुनेंगे, जाली डालेंगे, सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, फिर से
तीसरा फंदा उठाएंगे, ऊपर से गिराएंगे, एक सीधा फंदा जाली डालेंगे, सीधा बुनेंगे, धागा आगे, एक उल्टा फंदा। ये हमारी बटन पट्टी का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए इस रो में क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास अब ये एक ही फंदा रह गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास देखिए 4 ये जाली बन गई है। अब ये उल्टा फंदा बुनकर धागा पीछे रखेंगे, इस साइड में ही ये 6 फंदे रखने हैं। अब धागा पीछे है और ये फर्स्ट जाली में से ऐसे सिलाई निकालेंगे देखिए, और इसे ऐसे सीधा बुनते हुए लेकर आएंगे। ये वाला जो आप इसमें से फंदा निकालेंगे, ये ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ये लूज़ होना चाहिए। देखिए बिल्कुल, जब आप ऐसे सिलाई सीधी करोगे तो बस इतना ही आपने इसको रखना है। फिर ये इसको ऐसे थोड़ा सा पकड़ के रखेंगे, दोबारा ये खींच ना जाए तो ये दूसरे जाली में से धागा निकालेंगे ऐसे सीधा बुनते हुए। ये देखिए अब फिर से इनको ऐसे पकड़ के रखेंगे और तीसरी जाली में से सीधा बुनते हुए ये देखिए ऐसे धागा निकालेंगे। अब चौथी जाली में से भी सीधा बुनते हुए ऐसे धागा निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे इनको एक बार पकड़ के एक जैसा कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 4 फंदे हो गए हैं। ये अब इसको थोड़ा सा ऐसे दबाकर रखें और इस वाले फंदे को सीधा बुन लें। अब ये 6 फंदे सीधे बुन लें, 2, 3, 4, 5 और 6। धागा आगे करेंगे, केबल का डिज़ाइन डालेंगे, धागा पीछे, इसको ऊपर से गिराएंगे, सीधा फंदा जाली डालेंगे, सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, एक उल्टा फंदा बुनेंगे, धागा पीछे। फिर से इसे रिपीट करेंगे, 6 फंदे हैं। ऐसे पहली जाली में से धागा सीधा बुनते हुए ऐसे बाहर लेकर आएंगे, देखिए इसको ऐसे थोड़ा सा पकड़ के रखेंगे और दूसरी जाली में से निकालेंगे, 2 हो गए। अब तीसरी जाली में से निकालेंगे, फिर चौथी जाली में से निकालेंगे, ये देखिए इनको ऐसे एक साथ कर लीजिए। अब ये हमारे जो 6 फंदे हैं यहाँ पर ऐसे इसको थोड़ा सा दबा कर रखें, ये 6 फंदे सीधे बुन लीजिए। ये पहला फंदा हमने बुन लिया, आप इसे छोड़ सकते हैं, बाकी के 5 फंदे भी सीधे बुन लीजिए, 3, 4, 5 और 6 हो गए। ये धागा आगे, एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, ये केबल का डिज़ाइन है, तीसरा फंदा ऊपर से गिरा देंगे, जाली डालेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, लास्ट वाले दोनों सीधे। ये देखिए ये हमारी 9th रो कंप्लीट हो गई है। 10th रो रॉन्ग साइड, इसे ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, 2 उल्टे फंदे उल्टे ही बुनेंगे, ये हमारी केबल का डिज़ाइन है, 1 सीधा फंदा, 3 उल्टे फंदे, 1, 2 और 3, 1 सीधा फंदा, धागा आगे। अब 1, 2, 3, 4, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब ये हमारा जो छठा फंदा उल्टा है ये वाला, और 4 जो हमने फंदे इसके बीच में से निकाले थे, देखिए 1 छठा फंदा है ये, 1 ये, 2, 3, 4 और 5, ये टोटल 5 हो गए छठा फंदा, और 4 फंदे हमने इसके बीच में से निकाले थे वो वाले, टोटल ये 5 फंदे हो गए हैं। इनको एक साथ ऐसे सिलाई पर लेंगे, इसको एक साथ ही पांचों को उल्टा बुन लेंगे, ये देखिए, और इसे ऐसे छोड़ देंगे। अब
एक सीधा फंदा, धागा आगे केबल वाला डिज़ाइन है, तीन उल्टे फंदे, धागा पीछे एक सीधा फंदा, धागा आगे पांच उल्टे फंदे, दो तीन चार पांच, फिर ये छठा फंदा और चार फंदे जो इसके बीच में से हमने निकाले थे, एक साथ पांचों को लेंगे सिलाई पर, इनको ऐसे उल्टा बुन लेंगे और छोड़ देंगे, थोड़ा सा ऐसे खींच के सेट कर लेंगे। अब धागा पीछे करेंगे और हमारे बटन पट्टी के फंदे बुनेंगे, तीन उल्टे फंदे, दो तीन, एक सीधा फंदा, फिर से तीन उल्टे फंदे, दो तीन, लास्ट वाला भी उल्टा ही। ये देखिए हमारी 10th रो कंप्लीट हो गई है, ये देखिए, और हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये इसकी फाइनल लुक है। अब फिर से हम इसे फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, एक बार मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ कि कैसे करेंगे। ये स्टिच है, तीन फंदे सीधे, दो तीन, धागा आगे एक उल्टा, धागा पीछे तीन सीधे, एक दो तीन, धागा आगे एक उल्टा, ये बटन पट्टी के फंदे हो गए, धागा पीछे एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे ऐसे सिलाई पर लेंगे, धागा आगे रखते हुए जाली डालेंगे और दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक दो और तीन फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे, फिर से हमारी केबल वाला डिज़ाइन, तीन फंदे सीधे, धागा आगे एक उल्टा फंदा, धागा पीछे, फिर से मेन डिज़ाइन, एक सीधा फंदा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, दो फंदे ऐसे सिलाई पर लेंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, तीन फंदे सीधे, केबल वाला डिज़ाइन पांच फंदों का, तीन फंदे सीधे, उल्टा फंदा लास्ट वाले सीधे। ये देखिए फैन, ये हमारी फिर से डिज़ाइन फर्स्ट रो से स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट रो से लेकर इसे 10th रो तक इसे हम बार बार रिपीट करेंगे। मैं ऊपर आपको थोड़ा सा और बुनकर दिखाती हूँ, उसके बाद हम इसकी जो बटन पट्टी है इसमें कैसे बटन होल बनाया जाए वो भी दिखाऊंगी। इसे मैं थोड़ा सा और ऊपर बुनकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम बटन होल इसमें कैसे रखें वो मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये 9 फंदों की बटन पट्टी बनाई है। अगर आपने इस तरह की बटन पट्टी अपने कार्डिगन में बनानी है तो आपको यहाँ पर इसके लिए 12 फंदे लेने होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। ये स्टिच ऐसे ही उतारेंगे और फिर से जब आपने इसमें बटन होल बनाना है तो जब आप इस स्टेज पर आ जाएं यानी कि इसकी फर्स्ट रो में आ जाएं तो ये देखिए ऐसे ऊपर से गिराएंगे तभी इसमें बटन होल बनेगा। ये इसकी ये तीन फंदे ये ऐसे ही बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, ये उल्टा फंदा है इसको उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, ये जो सेंटर में इसकी रॉ जाएगी जब आप 12 फंदों की ये बटन पट्टी बनाएंगे तो उसमें ये डिज़ाइन जो हमारा बटन होल है उस डिज़ाइन में ये डलेगा। देखिए ये तीसरा फंदा उठाएंगे और ऊपर से गिरा देंगे, एक सीधा फंदा, यहाँ पर हम ऐसे एक जाली डाल के यहाँ पर सीधा फंदा बुनते हैं, अब यहाँ पर हम दो जाली डालेंगे, देखिए एक और दो, दो बार धागा घुमाएंगे और ये दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। आगे फिर से यही वाला जो 4 फंदों का डिज़ाइन है वो रिपीट होगा, ये सेंटर में जो हमारी केबल जा रही है
उसमें ये बटन होल बनेगा। धागा आगे करेंगे, ये उल्टा फंदा। बाकी जो हमारा डिज़ाइन है वो आप आगे बना लीजिए, जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं इसे आप किसी भी कार्डिगन में डाल सकते हैं। इस बटन पट्टी को सभी में अच्छा लगता है, काफ़ी सारे जो हम डिज़ाइन बनाते हैं उसमें ये अच्छा लगता है। ये हमारी सारी रो कंप्लीट करके और उल्टी साइड में कंप्लीट करके इसके यहाँ बटन पट्टी के फंदों पर आप आ जाइए, मैं बताती हूँ कि कैसे करना है आगे। हम साइड में बटन पट्टी के फंदों पर आ गए हैं, धागा पीछे करेंगे, ये बटन पट्टी के फंदे हैं, एक सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे। ये देखिए ये तीन उल्टे फंदे हैं, ये एक उल्टा फंदा उल्टा बुन लेंगे। ये सेंटर में जो हमने जाली डाल के दो बार, ये देखिए दो बार धागा घुमा के ये हमने फंदे, एक फंदा यहाँ पर पहले हम बढ़ाते हैं, यहाँ पर हमने दो बार घुमाया था, इसको हम ऐसे खोलेंगे और इसको उल्टा बुन लेंगे। तीसरा फंदा भी उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा फंदा धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, लास्ट वाला भी उल्टा ही। ये देखिए रॉन्ग साइड हो गई है, राइट साइड एंड स्टिच, तीन फंदे सीधे धागा आगे, एक उल्टा तीन सीधे, जैसे हम हर बार बुनते हैं वैसे ही इनको बुनेंगे, एक उल्टा। आगे हम अपना डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इसमें कोई छोटा सा बटन ही लगाना चाहते हैं तो इस जाली में लग जाएगा, अगर मीडियम साइज़ का बटन लगाना चाहते हैं तो ऐसे आप दो बार धागा घुमाकर इसे लगा सकते हैं। मैं ये सारी रो आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमने अपनी रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली है और हमारा ये बटन होल बनकर रेडी है। ये देखिए मेरे पास ये दो तरह के बटन हैं, ये छोटे वाला बटन है और ये मीडियम साइज़ का बटन है। मैं आपको इसमें से दिखाती हूँ कि क्रॉस होगा कि नहीं। ये जो अगर आपके पास इस तरह छोटे वाला कोई बटन हो तो आपको इसको डबल धागा लपेट कर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी में से ये क्रॉस हो जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये वाला ऐसे, ये देखिए कितनी इजीली इसमें से ये क्रॉस हो रहा है। तो इसके लिए आपको इसे डबल धागा लपेट कर बनाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप इस साइज़ के बटन इस पर लगाना चाहते हैं। और अगर आप मीडियम साइज़ के बटन इस पर लगाना चाहते हैं तो देखिए इसको आपको ये डबल धागा लपेट कर ये हमारी जो जाली है वो बनानी पड़ेगी। ये देखिए इसको भी क्रॉस करके देखते हैं, ये देखिए कितनी इजीली ये इसमें से क्रॉस हो रहा है। तो फ्रेंड अगर आप इस तरह से इसके बटन होल बनाएंगे तो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आप इसके ये उल्टे फंदे के साथ बटन होल बनाएंगे तो यहाँ पर बन तो जाएंगे लेकिन देखने में वो अच्छे नहीं लगते। यहाँ पर अगर बटन होल बना हो तो देखने में पता भी नहीं चलता कि कहाँ पर बटन होल बना हुआ है, और देखने में कार्डिगन काफ़ी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड ये देखिए हमने ये डिज़ाइन बनाया है, ये 10 रॉ का डिज़ाइन है और इसके साथ हमने आपको ये बटन पट्टी भी बताई है। अगर आप नीचे से इसके ये बॉर्डर रखना चाहते हैं तो ये वाला ही डिज़ाइन का बॉर्डर इसके नीचे आएगा, वैसे ये डिज़ाइन नीचे से ही स्टार्ट होता है। अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड देखिए ये बनकर कुछ इस तरह से दिखेगा। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। फ्रेंड अगर आप कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं, आपको कोई डाउट रह गया हो तो वो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड।